नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के हिंदी का जो गद्य भाग है उसके सातवें पाठ ओ सदा नीरा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। और आपसे बता दें कि ये वीडियो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए उपयोगी है। आप लोग अक्सर मैसेज करते हैं कि सर मेरा साइंस है, मेरा आर्ट्स है, मेरा कॉमर्स है, हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। तो मैं बता दूं कि 100 मार्क्स हिंदी जो है वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी में पढ़ना है, यानी ये तीनों के लिए उपयोगी है। और प्लीज़, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, किताब का एक एक लाइन पढ़ करके ऑब्जेक्टिव मैं तैयार करता हूँ, तो अंत तक इसको देखिए। और मेरा विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख ले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो ओ सदा नीरा पाठ है इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई परेशानी न हो। तो चलिए देखते हैं पहले इसको। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला के खुर्जा नामक स्थान पर, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। और इनके माता पिता के बारे में आपके पुस्तक में नहीं दिया हुआ है और ना ही ये विकिपीडिया पर मिलता है, तो आप निश्चिंत रहें कि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। और इनके कार्य की बात करें तो 1944 में इन्होंने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण यानी कि शुरुआत किया था, और ये ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर रह चुके हैं, महानिदेशक रह चुके हैं। फिर उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी ये रह चुके हैं। सम्मान की बात करें तो इन्हें 3 सम्मान मिला था। पहला सम्मान है आपका विद्यावारिधि उपाधि, दूसरा है कालिदास अवार्ड, और फिर तीसरा है बिहार राज्यसभा पुरस्कार। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, बंदी, सारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी इत्यादि। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आइए देखते हैं इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो जैसा कि हम लोग ऊपर देख करके आए हैं कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ जो है वो लिखा हुआ है जगदीश चंद्र माथुर का, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है आपका ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ओ सदा नीरा जो है यह निबंध है, और ये जो है आपका लिया गया है बोलते क्षण नामक निबंध से, यानी बोलते क्षण एक निबंध है, उसका ये हिस्सा है ये पाठ, तो ये भी क्या कहलाएगा, निबंध ही कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है ओ सदा नीरा किस पुस्तक से ली गई है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया बोलते क्षण से लिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर में है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, हम लोग ऊपर देख करके आए हैं अभी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ था 14 मई 1978 को, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था खुर्जा में, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, सेवन में आपका दिया है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। तो जगदीश चंद्र माथुर को नहीं मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बाकी आपका जो है विद्यावारिधि, कालिदास अवार्ड, बिहार राज्यसभा पुरस्कार, ये तीनों मिल चुका है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी। तो देखिए ऑप्शन ए में है मेरी बांसुरी, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये आपका लिखा हुआ है, उन्हीं का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में आपका आषाढ़ का एक दिन लोहा सिंह, ये उनका नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपका बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखा हुआ है
जगदीश चंद्र माथुर का, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, तो ये भी लिखा हुआ है उन्हीं का, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर का, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये पूछ दे कि कब हुआ था, तो 1944 में, आप याद रखेंगे, ऊपर हम लोग देख करके आए हैं। 12 में है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, तो मेरी बांसुरी ये उनकी कृति है, बंदी भी उनकी है, कोणार्क ये भी उनकी है, ऑप्शन सी रेशमी टाई ये नहीं है, ये आपका लिखा हुआ है राम कुमार वर्मा का, ये जगदीश चंद्र माथुर का नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 में आपका दिया है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, तो थारन शब्द बना है थार से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 में आपका, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो बोलते क्षण आपका निबंध है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और बोलते क्षण जो निबंध है उसी निबंध से इस पाठ को लिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन करके आए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो ओ सदा नीरा पाठ जो है वो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, यानी ये निबंध जो है गंडक नदी के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गंडक नदी। 16 में है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो गांधी जी चंपारण आए थे 1917 में, यानी 1917 में, लेकिन महीना कौन सा था, तो वो महीना था अप्रैल का, यानी अप्रैल 1917 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है आपका, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो कर्नाट वंश के जो राजा हरि सिंह थे उनको लड़ना पड़ा था, यानी संघर्ष करना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक से, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 में है आपका, चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे, तो देखिए धांगर क्या है, धांगर का मतलब होता है भाड़े का मजदूर जो काम करने के लिए लाया जाए, तो ये चंपारण में जो धांगर लाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, ये लाया गया था छोटा नागपुर से, और ये धांगर लाया जाता था नील की खेती करने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 में देखेंगे, तिनकठिया प्रथा का संबंध है किससे, तो देखिए तिनकठिया प्रथा क्या है, तिनकठिया प्रथा है आपका, तिनकठिया प्रथा का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा अगर ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी होगी, ये अंग्रेज़ों का नियम था आपका बिहार झारखंड में, तो ये तिनकठिया पद्धति जो है उसी से संबंधित है, नील से संबंधित है। तिनकठिया पद्धति का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा ज़मीन होने पर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती ज़बरदस्ती करनी होगी, ये अंग्रेज़ कहते थे, इसी को कहते हैं तिनकठिया पद्धति। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध जो है ये है आपका नील से, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 में है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है, तो देखिए ये पंडई नदी जो है ये आती है नेपाल से, नेपाल से इसको पानी मिलता है और ये जाती है भिखना थोड़ी तक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 में है, बराज कहाँ बन रहा था, तो बराज जो है ये जल जो स्टोरेज करने का होता है उससे संबंधित टर्म है बराज, और ये बराज कहाँ बन रहा था, तो भैंसा लोटन में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 में है, आम्रपाली, और आम्रपाली का मतलब होता है अम्बपाली, अम्बपाली यानी आम का जो पत्ता होता है कोमल कोमल पत्ता, उसको कहते हैं आम्रपाली, तो ये आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आम्रपाली का अर्थ समझा दिया, और यहाँ पर जो आया है आम्रपाली वो आया है एक स्त्री का नाम है आम्रपाली, एक औरत का नाम है जो कि गौतम बुद्ध को आम का वन यानी आम्र वन सौंपा था, वो आम्रपाली है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आम्र वन, ऑप्शन बी, यानी आम्रपाली नाम की औरत जो थी वो तथागत यानी कि गौतम बुद्ध को क्या सौंपी थी, क्या भेंट में दी थी, क्या मतलब दान में दी थी, तो आम्र वन यानी आम का गाछी। चलिए आगे है 23 में, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, तो मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था, तो दिया था एक महुए के पेड़ के नीचे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 में देखेंगे, वसुंधरा भोगी मानव
और धांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं किस पाठ में आया है, तो ये आया है जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उसी में, यानी कि ऑप्शन ए ओ सदा नीरा में। आगे है 25 में, धांगर शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में क्या होता है, तो धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 में आपका चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, तो चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा जो लिखा हुआ है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपने इसे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि अगर इस वीडियो का PDF आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो 26 का आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। 27 में आपका किस पाठ में आया है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं किस पाठ में आई है वो हमको बताना है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ओ सदा नीरा में ये आया है। 28 में, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था, तो ये 1944 में करवाया था जगदीश चंद्र माथुर ने, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है आपका 29 में, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हों और चरित्र जिनका निष्फलसु, यह किसने कहा, तो देखिए ये जो कहा हुआ है आप एक चीज़ एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे कि शिक्षा और संस्कृति से बात जुड़ा हुआ कहीं भी आ जाए, यानी शिक्षा और संस्कृति की चर्चा कहीं भी हो तो आप समझ जाएंगे कि उसका 99% जो आपका चांस है उसका आंसर होगा महात्मा गांधी। एकदम माइंड में सेट कर लेंगे, कहीं भी किसी भी क्लास में और शिक्षा संस्कृति से संबंधित उससे जुड़ा हुआ कोई बात है तो उसका सही आंसर जो होगा वो कथन जो है वो महात्मा गांधी का है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आगे है आपका, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ, छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है, किसके विचार है, तो ये विचार भी है उन्हीं का, महात्मा गांधी का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 में है, मन कैसे ताल हैं, तो मन जो है वह गहरा और विशाल ताल है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 में आपका, चौर कैसे ताल हैं, तो चौर जो है वो उथले ताल हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका पाठ से लिया गया क्वेश्चन सब है, और ये आपका है 33 का, सदा नीरा शब्द का अर्थ बताएं, तो देखिए सदा नीरा का क्या अर्थ होता है, सदा नीरा का मतलब होता है सदा नीर रहने वाला, यानी हमेशा जल से परिपूर्ण रहने वाला नदी, तो हो जाएगा जल से सदैव परिपूर्ण नदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 34 में, दुर्भेद शब्द का अर्थ बताए, यानी दुर्भेद का क्या अर्थ होता है, तो देखिए दुर्भेद का मतलब होता है जिसके भीतर घुसना कठिन हो या जिसे ढाहना मुश्किल हो, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी दुर्भेद का अर्थ हो गया जिसके भीतर घुसना कठिन हो जिसे ढाहना मुश्किल हो। 35 में आपका दिया है, माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले, तो माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर मिले थे पुंडलिक जी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये पुंडलिक जी जो थे भीतिहरवा के शिक्षक थे। आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।